पैराग्लाइडिंग साइट बिड व्हीलिंग में टैंडम पैराग्लाइडिंग के लिए 66 पायलटों ने आवेदन किया। इस दौरान विभाग द्वारा 46 पायलटों को उड़ान भरने की मान्यता दी गई, जबकि 20 पायलटों के आवेदनों की विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरी ओर पर्यटन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत चर्चित साइट इंद्रनाग में इस बार उड़ान भरने के लिए 7 पायलटों ने आवेदन किया है, जिनमें 5 को मान्यता दी गई है और 2 पायलटों की विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि उड़ान भरने के लिए बहुत चर्चित साइट इंद्रनाग कई बार चर्चा में रह चुकी है। इस साइट को करीब 2 बार प्रतिबंधित किया जा चुका है तथा आयोजकों के बार बार आग्रह के कारण इसे पुनः उड़ान भरने के लिए खोला गया है। इस साइट पर करीबन 2 वर्ष पहले एक स्थानीय पायलट एवं युवक की टैंडम फ्लाइट के दौरान मौत हो गई थी, जिसके चलते इस साइट को उड़ान भरने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद हर वर्ष अब पायलटों को आवेदन के पश्चात ही फ्लाइट करने की अनुमति दी जाती है। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक जगन ठाकुर ने बताया कि इस बार इंद्रनाग पैराग्लाइडिंग साइट से फ्लाइट करवाने के लिए 7 पायलट ने आवेदन किए हैं, जिनमें से 5 पायलटों को अनुमति प्रदान कर दी गई है, जबकि 2 पायलटों की जांच पड़ताल चल रही है। और ऐतिहासिक साइट पिट बिलिंग में 66 पायलटों ने आवेदन किए, जिनमें से 46 को अनुमति और 20 पायलटों की जांच पड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर बिना अनुमति कोई पायलट पकड़ा जाता है तो उसको विभाग को भारी जुर्माना करने का प्रावधान है। जिला कांगड़ा में हमारे पास 2 पैराग्लाइडिंग की साइट्स हैं, जैसे कि एक तो इंद्रनाग है, दूसरा हमारा बिलिंग है। तो बिलिंग के लिए हमारे पास 66 पैराग्लाइडर्स की एप्लीकेशन आई थी, जिसमें कि हमने 46 लोगों को वो जो लाइसेंस है वो दे दिया है टैंडम पैराग्लाइडिंग का। और उसमें से 66 जो हैं जो एप्लीकेशन हैं, उसमें से अराउंड 20 एप्लीकेशन जो है वो हमारी इन प्रोसेस है। और इंद्रनाग के लिए हमारे पास 7 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें कि हमने 5 डिस्पोज ऑफ कर दी, 2 उसमें पेंडिंग है। सर, अगर कोई अनऑथोराइज पैराग्लाइडर जो है वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या प्रावधान है? देखिए, हम कोशिश करते हैं लगातार इन लोकेशन के ऊपर जाने की। तो पीछे हम बिलिंग भी गए थे, तो जहां हमें त्रुटियां पाई गई तो हमें वहां पे उनका चालान किया जाएगा और उनको फाइन किया जाएगा।